कर ली। देखिए टेंथ की मॉर्निंग में करीब 3 बजे के आसपास जो फायरिंग करके लूट की वारदात हुई थी, जिसका आप सभी को पहले से ज्ञान है, बहुत ही सेंसिटिव घटना थी क्योंकि फायरिंग की गई थी जिसमें कि एक व्यक्ति योगेश राय के पैर में गोली लगी थी और उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराई गई थी, वो अभी सेफ भी हैं। इस घटना में 5 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें कि फोर्ड व्हीकल एक यूज़ किया गया था। इन 5 में से 3 लोगों के पास में वेपन होने की बात परिवादी ने बताई थी और उसी क्रम में इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हमारी टीम उसी समय लग गई थी और अलग अलग डायरेक्शन में टीम्स ने काम करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग थे जो कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे हाईवे पर, कुछ फील्ड में लगातार ये चेक कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई गाड़ी वहाँ से मूव करके आई है तो कहीं ना कहीं पर लोग रुके होंगे, तो रास्ते के सभी होटल धर्मशालाएँ ढाबे आदि चेक कर रहे थे। बाकी एक टीम थी जो कि लगातार ये चेक कर रही थी कि कौन सी वारदात इस तरह की एमओ पहले रहा है, ऐसी कौन सी गैंग है जो इस तरह से वारदातें करती रही है। सभी एफर्ट्स के बाद में हमारे जानकारी में एक गैंग आई जिस गैंग के द्वारा इस तरह की वारदात पहले भी की गई थी और इस बात का भी पता चला कि इस गाड़ी को लूटने के पीछे उनकी जोधपुर में एक अन्य बड़ी वारदात को अंजाम देने का मकसद है, जिसमें कि इस गाड़ी का इस्तेमाल किए जाने की पॉसिबिलिटी है। उस चीज़ को देखते हुए फिर और ज़्यादा इसमें एफर्ट शुरू किए गए क्योंकि इस बात की संभावना थी कि ये गाड़ी जो कि यहाँ से लूटी गई थी डस्टर गाड़ी, उस गाड़ी का किसी एक बड़ी घटना में, बड़ी घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल होने की पॉसिबिलिटी सामने आई। पूरे प्रयासों के बाद में, हमारी टीम की मेहनत के बाद में, एडिशनल SPCO साहब ने जो एफर्ट किए उसी दिन के बाद से, उसका असर है कि हम 2 मुलजिम उनमें से अभी गिरफ्तार कर सके हैं। एक है बबलू उर्फ मोहम्मद इशाक जो कि मूलतः खंडा फालसा जोधपुर का ही रहने वाला है और दूसरा मुलजिम है घनश्याम रावत जो कि हमारे यहाँ पर बड़गांव पुलिस थाना आदर्श नगर क्षेत्र का रहने वाला है। बाकी जो और 3 हैं उनके बारे में भी जानकारी हमारे पास में आ चुकी है, हमारी टीम है जो उनके पीछे लगी हुई है, इनके पास जो वेपन थे उनके बारे में पता किया जा रहा है, उनकी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं और जो घटना ये अंजाम देने वाले थे जोधपुर में उस घटना के बारे में भी डिटेल में इनसे पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। वो इनसे पूछताछ के क्रम में वो गाड़ी इनसे बरामद की जाएगी, उसके बारे में हमारे इंटरोगेशन में हमें जानकारी मिल गई है, उस गाड़ी को, दोनों गाड़ियों को जल्दी बरामद किया जाएगा। सर, जिस पे फायरिंग की इन्होंने उसकी रेकी कर रहे थे उसके बारे में इनको क्या इनपुट था? देखिए, इनके पास में अभी तक जितना हमारा अनुसंधान है उससे ये पता चलता है कि ये एक अच्छी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इनका मकसद किसी अन्य घटना को अंजाम देना है जिसमें कि एक ऐसी गाड़ी हो जो कि थोड़ी तेज चलती हो, SUV टाइप का व्हीकल ये लूटना चाहते थे। ये उस व्यक्ति का कोई वेट नहीं कर रहे थे, ना ही उसकी रेकी कर रहे थे, इनका मकसद एक अच्छा व्हीकल लूटने का था और इन्हें जब ये डस्टर गाड़ी दिखाई दी तो इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करती हुई गाड़ी लगी, इसलिए इन्होंने इस गाड़ी को अटैम्प्ट किया। जोधपुर में किस तरह की वारदात? हाँ देखिए, क्योंकि अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, हम अभी उन लोगों को पकड़ करके लाए हैं, उनसे इंटरोगेशन होना है, इसलिए अभी मैं उस घटना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद जब हम और इसे डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम ये बात आपको बता सकेंगे कि वहाँ पे वो कौन सी घटना करना चाहते थे और उसमें अभी और भी चीज़ें हमें चेक करनी है। जोधपुर के साथ में हमारी बात हो रही है, हमने उन्हें भी बताया है उस घटना के बारे में जो पॉसिबिलिटीज़ थी, तो वो भी अपने स्तर पर चेक करेंगे कि क्या ऐसी कोई संभावना है या नहीं है, पर अभी प्राइमरी स्टेज पर इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहते। सर,